नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो भंडारण का मेगा प्लान, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो इसलिए क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना सहकारिता क्षेत्र की भारत में लॉन्च हो गई है। पीएम ने इसे लॉन्च कर दिया है और टारगेट ये है कि 5 सालों में, आंकड़ों को जरा आप गौर से सुनिए, 5 सालों में 700 लाख टन भंडारण क्षमता का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है और 11 अनाज गोदामों का एक साथ उद्घाटन हुआ है। और इस योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ का निवेश होगा। इसका मकसद ये है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है देश का एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो मजबूत हो और जो अनाज की बर्बादी होती है, रख रखाव की दिक्कत आती है और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसको रोका जाए और किसानों को अच्छा भाव दिलाने में, किसानों को भंडारण करने में सुविधा हो, इसके लिए ये मेगा प्लान यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो अब सवाल ये है कि इस वक्त देश में भंडारण की क्या चुनौतियाँ हैं और इस ये भंडारण योजना लॉन्च की गई है, इसके बाद कितना बड़ा मेकओवर होगा स्टोरेज को लेकर के, कितना बड़ा बदलाव आएगा, इन्हीं मुद्दों पर हम डिटेल में बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं संदीप सबरवाल साहब जो कि CEO हैं SLCM के, अमित खंडेलवाल साहब हैं डायरेक्टर हैं स्टार एग्री के, और साथ ही संतोष साहू हैं गो ग्रीन वेयर हाउसेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। मेरा पहला सवाल अमित जी आपसे ये होगा, मुझे इस बात की उम्मीद है कि ये जो लॉन्चिंग हुई है और ये आपके सेक्टर की लॉन्चिंग है, ये कहा गया है कि मतलब ये बड़ा दुनिया की सबसे बड़ी योजना है ये सहकारिता क्षेत्र की, आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी इस मेगा लॉन्च पे? नमस्कार मृत्युंजय जी, धन्यवाद आप दोबारा मुझे यहाँ बात करने का मौका देने के लिए। देखिए, ये एक तरह से रूरल गेम चेंजर साबित हो सकती है ये स्कीम, क्योंकि इससे अनेक फायदे हैं। सबसे पहले तो जो किसानों को डिस्ट्रेस सेल में माल बेचना पड़ता है, जब फसल कटती है तब भाव कम रहते हैं, बाद में जाके भाव बढ़ती है, तो किसान वहाँ जा करके अपना माल जमा करा सकेगा। जो किसान के लिए जो सब्सिडाइज रेट पे बैंक लोन मुहैया कराते हैं, उस फैसिलिटी को वो प्राप्त कर सकेगा। तीसरी, जो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी बात है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आज के दिन में 10% हैं, इस स्कीम से वो घट करके कहीं भी 5-6% की रेंज में आने की उम्मीद है। मृत्युंजय जी, आप ये कह रहे हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है, ये नई बात आपने बताई। लेकिन संदीप जी, इसमें ये टारगेट रखा गया है कि 5 सालों में 700 लाख टन जो भंडारण की कैपेसिटी है उसका टारगेट रखा गया है। अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है, इसकी संभावना यहाँ पर है क्योंकि एक मेगा लॉन्चिंग है स्टोरेज को लेकर के, क्या अगर हम 700 लाख टन का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो क्या स्टोरेज का पूरा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा या तब भी कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा? देखिए मित्रंजन जी, पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा, ये स्कीम जो लॉन्च हुई है ये प्रोपोर्शनेट टू भारत के उत्पादन के प्रोपोर्शनेट है। इंडिया एक सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चाहे वीट हो चाहे राइस हो, और सबसे बड़ा कंजम्पशन देश भी है। जिस कंट्री में 22.5% लोग इस 18-22% GDP के आंकड़े आते हैं, अगर एग्री पे डिपेंडेंट है, तो इस स्कीम की बड़ी ज़रूरत थी। इसको कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप देखिए तो ये स्कीम बड़ी शानदार तरीके से बनाई गई है। 125,000 करोड़ का निवेश के बाद आप कह रहे हैं 700 लाख टन, 18,000 पैक सेंटर कंप्यूटराइज करना, तो एक एग्री वैल्यू चेन बन रहा है। अगर आप, मैं अपने साथी की बात से ही बात करूंगा कि अगर 10% भंडारण में अगर आपका आज की डेट में फूड ग्रेन खराब हो रहा है तो उसका औसत ये ईयरली 125,000 करोड़ का इंडिया को डैमेज होता है। तो इस स्कीम में अगर 125,000 करोड़ के डैमेज किए निवेश करने से अगर हमारा 5% लॉस भी हम इसमें बचा लेते हैं, तो हर साल भारत की बैलेंस शीट में, अगर भारत का एज ए कंट्री को मैं कंपनी की तरह देखूं, तो हर साल भारत की बैलेंस शीट में 60,000 करोड़ की बचत होगी। तो ये स्कीम तो सेल्फ पेइंग स्कीम है, तो इसमें कोई ऐसा चाप ये दिमाग लगाएं कि इसका अगर IRR देखूं मैं, तो ये 50% IRR की स्कीम है। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू का जो लॉस है उसको बहुत हद तक हम कम कर पाएंगे, राइट?
करेक्ट सर, बिल्कुल भाई आप देखिए ना, रेवेन्यू लॉस 1.25 लाख करोड़ का है। हाँ हाँ ओके, हर साल। तो आप ये कह रहे हैं कि 700 लाख तक मैं करता हूँ, तो अगर मैं ये भी कहता हूँ कि स्कीम के माध्यम से हमारे 10% स्टोरेज लॉस 5% पे आ जाता है, तो हर साल भारत की बैलेंस शीट 60,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू बचाएगी। तो ये स्कीम तो 2 साल में अपने आप को पे अप कर रही है। अच्छा, इससे बड़ी स्कीम क्या होगी? हाँ ठीक बात है, मतलब आप कह रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जो भी आपका है वो कह रहे हैं अपने आप को पे अप कर रही है कंपनी, क्योंकि अल्टीमेटली आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू लॉस अगर कम होगा तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगा, मतलब आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको रिटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है संतोष जी, आपका टेक क्या होगा इस योजना को, आप किस तरह से देख रहे हैं खास करके ग्रामीण इलाकों में जो रूरल एरियाज हैं, क्योंकि कई जगहों पर तो हमने देखा कि अब तो नई तकनीक आ गई है ना, अलग अलग डिजिटल तरीके से अब मंडी की व्यवस्था हो गई है, अमित जी खुद मैनेज करते हैं इसको, मैंने देखा हुआ है कोटा में कि किस तरह से साइलो तकनीक को ये मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो अभी भंडारण की समस्या है क्या उसको बहुत हद तक ये योजना एड्रेस कर पाएगी? देखिए मुर्तजा जी, ये काफी सालों से हम लोग बोलते आ रहे हैं अलग अलग फोरम में, क्योंकि अभी जो आप देखेंगे जितने भी वेयरहाउसेस बड़े वेयरहाउसेस बने हुए हैं, आप देखेंगे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ धीरे धीरे, अभी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आने तक आप देखेंगे, फिर भी अभी हम आधा भी नहीं पहुंच पाए हैं जितना अपने को भंडारण की क्षमता चाहिए। और आप हर साल देखते हैं जब सीजन में डेटा आता है, हर बार फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ती है क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रहे हैं, GMO आ रही है, प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन बढ़ ही रहे क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो खाना तो चाहिए सबको, पर उतना रखरखाव करने के लिए गोडाउन आज भी नहीं है। तो एक तो मैं ये वेलकम करता हूँ ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि आज कोऑपरेटिव एक ऐसी सेक्टर है वो डायरेक्टली फार्मर से जुड़ा हुआ है, एक अलग तरफ से FPO का जो एक सेगमेंट भी चल रहा है उसमें भी काफी प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में बोला है कि FPO भी 10,000 FPO भी बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका लास्ट माइल स्टोरेज की जो बात करते हैं हम लोग, लास्ट माइल जो लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं और लास्ट माइल जो आप फाइनेंसिंग की बात करते हैं, ये एक तरह से ये जो वेयरहाउसिंग का जो प्लान हो रहा है, जो हर पैक्स के अंदर एक वेयरहाउस बनेगी, तो मुझे लगता है एक तरह से एक ब्रांच बनेगी ये तीनों सेक्टर को ग्रो करने के लिए। आज आप प्लेस फाइनेंसिंग में हम लोग काम कर रहे हैं, सारा बैंक मिला के हार्डली 50,000 करोड़ तक पहुंचे हैं, जबकि हमने अंदाज हम लोग जो रिसर्च बोलती है आज भी 2 लाख करोड़ की मार्केट पोटेंशियल है, उतना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है फार्मर को, जो लेके लास्ट माइल फाइनेंसिंग करना है, जो ऋण देना है, जो कमोडिटी के अगेंस्ट में ऋण देना है ताकि उनके जो डिस्ट्रेस सेल को कम करना है, वो एक बहुत बढ़िया आप एक चाबी बोल सकते हैं, एक जादू की चाबी जैसा ये बन जाएगी अगर ये बन जाती है। 7 लाख मेट्रिक टन ये बहुत, 700 लाख मेट्रिक टन ये बहुत बड़ी कैपेसिटी है। आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा कैपेसिटी अगर क्रिएट हो जाती है तो कितना बड़ा बैंकिंग फाइनेंस अंदर जाएगा, फार्मर लेवल पे पहुंच पाएगा, और ये सिक्योर्ड फाइनेंस होता है, इसके पीछे कमोडिटी रहती है, तो बैंक भी क्या है कि सिक्योर्ड फील करता है। आज अनसिक्योर्ड लोन देना किसी फार्मर को, कल क्रॉप डैमेज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो उस टाइम वो कहीं ना कहीं ब्रांच मैनेजर को थोड़ा ये लगता है। बट ये वेयर हाउसिंग खाली आपको स्टोरेज लॉस तो करेगा ही करेगा, मतलब स्टोरेज लॉस तो करेगा, हंगर को इराडिकेट करेगा, और ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन करेगा, जो सिक्योर्ड लोन पहुंचाएगा एक एक फार्मर को और उनकी जो डिस्ट्रेस सेल को कम करेगा, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है चेंजेस लाएगा इंडिया में, और ये जरूरत थी, बहुत दिनों से बात चल रही थी, बट ये बहुत जरूरत राइट थी। तो आप कह रहे हैं कि इसकी जरूरत थी और आप कह रहे हैं कि एग्री फाइनेंसिंग भी इससे काफी ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन अब मैं सेकेंड राउंड में खंडेलवाल जी आपसे जानना चाहता हूँ, ये योजना तो ठीक है, आप सब लोग तारीफ कर रहे हैं इसकी, लेकिन अभी जो भंडारण की दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि जो भी एग्रीकल्चर के हमारे एरियाज हैं, आसपास के इलाकों में किसानों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। पता चला अगर कोई खेती का इलाका है वहाँ से 100 किलोमीटर दूर मान लीजिए वेयर हाउस है, 150 किलोमीटर दूर वेयर हाउस है, तो वहाँ तक मतलब वेयर हाउस का जो पेनिट्रेशन है वो बड़ा कमज़ोर है अभी हमारे देश में। तो क्या इससे हम एक डेंसिटी देख पाएंगे, अगर 700 लाख टन की क्षमता होगी तो क्या हम उम्मीद करें कि एक रेंज में मतलब फार्मर की रेंज में आ जाएगा वेयर हाउस, चाहे हम बहुत ही सुदूर इलाकों की बात करें तब भी? देखिए इसकी इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये जो स्कीम है इसमें जो वेयरहाउसेस बनेंगे ये सारे ग्रामीण एरिया में बनेंगे, सारे गांवों के तहसील लेवल पे, गांवों के लेवल पे बनेंगे। आज ऐसा नहीं है, आज भी हमारे पास लगभग 100 मिलियन टन्स के वेयरहाउसिंग अवेलेबल है
जिसमें लगभग 72-75% गवर्नमेंट एजेंसीज के पास है, 25% प्राइवेट एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है। लेकिन आज क्या हो रहा है, बड़ी मंडियों में वेयरहाउसेस बने हुए हैं, छोटी छोटी, जहां किसान को ऑन एन एवरेज 40 से 100 किलोमीटर के बीच में, कहीं कहीं 150 किलोमीटर के बीच में ट्रेवल करना पड़ता है, चाहे गवर्नमेंट वेयरहाउस के लिए या प्राइवेट वेयरहाउस के लिए या मंडी में आकर के अनाज बेचने के लिए। तो क्या होगा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट होने जा रहा है, ये ना सिर्फ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस या फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सिर्फ उनका नहीं है, ये एक तरह से पूरी रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा एक बिजनेस डेवलप होगा, डिस्ट्रेस सेल बचेगी, आपका गवर्नमेंट को विजिबिलिटी बनेगी कि मेरा मेरा कौन सा एरिया के क्या प्रोड्यूस कर रहा है, गवर्नमेंट वहाँ पे मेरे पास कितना कितना टन अनाज कहाँ मेरा रखा हुआ है, कौन से स्टेट में, तो उसकी 5 ईयर प्लान्स और फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी एक बहुत कारगर साबित होगा। ये लोगों का काम बढ़ेगा इससे, आप लोग पार्टनरशिप में काम करेंगे खंडेलवाल जी, मतलब सरकार को आपकी मदद चाहिए होगी इस योजना में? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए अगर अगर सरकार चाहेगी तो हम जो भी हमारी स्पेशलिटी है, जो भी हमें आता है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे पूरी एग्री वैल्यू चेन और फार्मर्स इससे बेनिफिट हो सके। राइट। अच्छा, एक सवाल आपसे संदीप जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, अच्छा जो किसान हमें देख रहे हैं या जो फिर एग्री के जो कारोबारी देख रहे हैं, उनके लिए आप ये समझिए कि इस योजना का मकसद ये है कि आपके करीब तक वेयर हाउस को पहुंचाना, और जो किसान भाई हमें देख रहे हैं, आपके लिए खबर आप अगर बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप ये, अभी आपको जो दिक्कत आ रही है कि आपने खेती की और आपको लगता है कि मैं फसल रख नहीं पा रहा हूँ, कहाँ रखूँगा, रखने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो उन्हीं सबको देखते हुए ये योजना लॉन्च की गई है ताकि आपको रखने की दिक्कत ना हो। अगर आप फसल को होल्ड रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अभी ना बेचूं, आप जब दाम बढ़ जाए तब बेचूं, तो ये सुविधा आपको दी जाएगी कि आप अपने आसपास के इलाके में भंडारण करके अपनी फसल को रख पाएं। अब जो सेकेंड राउंड का सवाल मेरा, थर्ड राउंड का सवाल है सवरवाल जी, कि ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा अगर ये पेनिट्रेशन होता है दूर दराज के इलाकों में, तो क्या फार्मर के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा ये वेयर हाउस में माल रखना? सर, कॉस्ट इफेक्टिव तो फार्मर को पहले भी है, बट इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम सारे भूल रहे हैं, जो अंडरलाइंग ये थीम है, ये बात कर रहे हैं 18,000 कंप्यूटराइज्ड बैक सेंटर्स का जो इनके साथ इंटीग्रेट होंगे। तो बेसिकली एक एग्री वैल्यू चेन की पैदावार हो रही है, एक प्लेटफॉर्म की पैदावार हो रही है, जिसमें सिर्फ ना कि भंडारण को एड्रेस किया जा रहा है, बट फाइनेंस को एड्रेस किया जा रहा है, उसकी सेल को एड्रेस किया जा रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को एड्रेस किया जा रहा है, और उसके इंफॉर्मेशन फ्लो को भी एड्रेस किया जा रहा है। तो इस सारी चीजों को अगर आप जब मिलाते हैं तो एक कॉम्पोजिट पैकेज ये दिखता है कि एक साइड पे तो आपने भंडारण के लिए वेयरहाउसेस तो सर पहले भी बनते हैं, फर्क क्या है कि इस बारी जो वेयरहाउसेस बन रहे हैं उनके साथ एक ये चेन साथ में बन रही है, पैक सोसाइटीज की चेन बन रही है, साथ में FPOs की चेन बन रही है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन की, और चेन बन रही है ट्रांसपेरेंसी की। ये चेन जो है, ये चेन आपके लिए एक अलग से चेंज लाएगा। वो चेंज क्या है कि एक तो आपका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट घटता है इससे, एक डिसेमिनेशन कॉस्ट घटता है, एक आपको भंडारण के योजनाओं से आपको ये पता चल जाता है कि आपके पास भंडारण में कितना माल है, वो ट्रांसपेरेंटली दिखता है, जिसकी वजह से आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, चाहे वो फार्मर का हो, चाहे वो ट्रेडर का हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो इम्पोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, उस सबके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगी इससे, जो इटसेल्फ एक कॉस्ट सेविंग डिवाइस है। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव तो होगा ही और उसमें और इम्प्रूवमेंट होगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों को अच्छा भाव दिलाने में, किसानों को अच्छा भाव मिले उसमें इस योजना की कितनी बड़ी भूमिका होगी, इस पर बात ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि जो भंडारण का एक मेगा प्लान तैयार हुआ है सहकारी क्षेत्र में, दुनिया की जो सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना लॉन्च हुई है, उसका क्या फ़ायदा किसानों को मिलेगा, एग्री मार्केट को मिलेगा, इस पर हम डिटेल में बात कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। संतोष जी, अब आप जरा ये बताइए कि ये जो कहा गया है कि 500 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ यहाँ पर बनाए जाएंगे, उसकी आधारशिला रखी जाएगी, इसका क्या रोल होगा इस पूरी योजना में?
देखिए, आप अगर सुने होंगे पूरे जो स्कीम को, तो इसमें बेसिकली जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक बिजनेस यूनिट के तरह प्रधानमंत्री और मिनिस्ट्री ले रहे हैं, जिनको खाली वेयरहाउसिंग नहीं करना है। उन्होंने जो वेयरहाउस की जो मल्टीपर्पज वेयरहाउस बनाने की बात करें, उसमें एग्री इनपुट का भी बिजनेस होगा, उसमें कस्टम हायरिंग सेंटर होगा जहाँ पे ड्रोन रहेगा, जहाँ पे एग्री इम्प्लीमेंट जो भाड़े पे फार्मर सबको दिया जाएगा, प्लस ग्रेन का जो स्टोरेज होगा। तो मल्टीपर्पज वेयरहाउस की बात किया जा रहा है। और इसमें दूसरा चीज ये भी बोला जा रहा है कि हर तरह की टेक्नोलॉजी इसमें लिया जाएगा, जो इम्प्रूव्ड। आज क्या हो रहा है, जो कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो वेयरहाउस बनाती है तो वो कॉस्ट देखता है। मेरा यूटिलाइजेशन अगर 70-80% नहीं रहा तो मेरा कमाई कुछ होता नहीं है। जब गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आते हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्कीम लेके आते हैं, वो भी फार्मर के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे टेक्नोलॉजी वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक तरह से ये एक सबके लिए एक अच्छी बात है कि ग्राउंड लेवल पे, जो फार्म गेट लेवल पे एक वेयरहाउस बनेगी और उसमें मल्टीपर्पज वेयरहाउसिंग होगी। खाली ग्रेन की स्टोरेज और रसीद की बात नहीं होगी, इसमें कस्टम हायरिंग सेंटर की बात होगी, उसमें इम्प्लीमेंट मिलेगी, वहां ड्रोन भी मिलेगी, वहां पे IoT सेंसर्स की बात होगी और जितने सारे टेक्नोलॉजीज है सारे कुछ वहां पे फार्मर को अवेल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि क्रेडिट सोसाइटी या FPO जो भी जहां पे भी ये वेयरहाउस बनेगी, वो एक तरह से एक छोटा SME स्मॉल एंड मीडियम स्केल यूनिट, बिजनेस यूनिट बनाएंगे। उनके अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेस रहेंगे, खाली वेयरहाउस रेंटल इनकम के ऊपर उनको निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। मुझे जो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ, तो वो एक उनकी इकोनॉमिक स्केल बढ़ेगी, उनकी बिजनेस स्केल बढ़ेगी और कहीं ना कहीं वो प्रॉस्पेरिटी आएगी उनको ग्राउंड लेवल पे। आज जो अमूल की सक्सेस देखेंगे, अच्छा, ठीक है, तो सिमिलर मॉडल पे ये एक एग्रीकल्चर सेक्टर में दूसरे कमोडिटीज की तरफ वो क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। राइट, अच्छा खंडेलवाल जी, ये तो ठीक है, किसानों को अच्छा भाव मिलेगा, उसके लिए तर्क ये है कि एक तो किसान रख पाएंगे, मतलब अपनी फसल को आसपास के वेयरहाउस में, ताकि उनको डिस्ट्रेस सेल नहीं करना पड़ेगा। डिस्ट्रेस सेल का मतलब ये कि कई बार ये होता है कि सीजन का टाइम है, नई रेवल है, आपकी फसल कट रही है, अब आपको रखने की जगह नहीं मिल रही है, मंडी नहीं मिल रही है, आपको जो भी भाव मिलता है औने पौने दाम में बेच देते हैं। तो ये व्यवस्था लागू होने से आपको डिस्ट्रेस सेल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक कम कीमत दे करके, कम चार्ज दे करके अपने एकदम बगल के वेयरहाउस पे अपनी माल को रख पाए, अपनी फसल को आप रख पाएंगे। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। दूसरा सवाल ये कि आपको अगर नया प्लेयर, मतलब आप लोगों जैसे खिलाड़ी नहीं, आप लोग तो मजे हुए हैं वेयरहाउस सेक्टर के, सब लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोग पुराना अनुभव है आपका, लेकिन अगर मान लीजिए कोई नया शख्स आना चाह रहा हो वेयरहाउसिंग सेक्टर में, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इस योजना में, उनके लिए बताइए कुछ टिप्स, मतलब अपना कॉम्पिटिशन तैयार कीजिए आप। अपॉर्चुनिटी है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, मार्केट इतनी बड़ी है, इसमें मुझे लगता है अभी और 20 प्लेयर्स भी आएंगे तो काम, इतने बड़े कमोडिटी, अब 300 लाख, मतलब 300 मिलियन मैट्रिक टन का ग्रेन प्रोडक्शन होती है साल में, और उसमें से अभी हम 100 मिलियन मैट्रिक टन स्टोरेज में बैठे हुए हैं, आप समझिए कितना बड़ा मार्केट अभी खाली पड़ा है। दूसरा, आप देखिए कि वेयरहाउस को एक बिजनेस यूनिट आप बनाइए, जैसे आज गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, जैसे आज ग्रामीण भंडारण योजना है, AIF स्कीम है, उसमें आपको कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है बहुत कम पड़ता है। अब उसी को लोगों तक डिसेमिनेशन नहीं होता है इन्फॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब आप कह रहे हैं कि पोटेंशियल बहुत है। खंडेलवाल जी, इसका जवाब आपकी तरफ से क्या होगा, नए प्लेयर अगर एंट्री लेना चाह रहे हैं वेयरहाउसिंग सेक्टर में, उनके लिए इस नई योजना में क्या है, कैसे एंट्री ले सकते हैं, ये बताइए। देखिए, अभी इसमें थोड़ा डिटेल्स और आनी बाकी है। अगर गवर्नमेंट इसमें PPP अलाउ करती है तो नए प्लेयर्स के लिए एक मौका है, जो वहां पे गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होकर के PPP मॉडल पे ये वेयरहाउसेस और ये पूरा, जिसको मैं एग्री हब बोलूँगा, इसका नाम मैं एग्री हब देना चाहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वेयरहाउस नहीं होकर के पूरी, जैसा साहू जी ने कहा, एक बिजनेस यूनिट है। तो एक अगर गवर्नमेंट इसमें PPP अलाउ करती है तो एक मौका वो है। और अगर 700 लाख टन की बात हो रही है तो हमारे जैसे कुछ और प्लेयर्स की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है और उनके लिए मौका है। वो आकर के जो डिफरेंट एरियाज हैं और सरकार के साथ इसमें मजबूती से काम कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है, बाकी प्लेयर भी आना चाहेंगे तो उनके लिए भी बहुत काम होगा यहाँ। लेकिन सवरवाल जी, मैं एक डेटा आपसे कन्फर्म भी करना चाहता हूँ, इसके ऊपर आपका रिएक्शन भी चाहता हूँ। जो डेटा मेरे पास है वो ये कि जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वो 14.5 करोड़ टन के आसपास की है, यानी जो टोटल कैपेसिटी होनी चाहिए, हमारा जो प्रोडक्शन है वो 31 करोड़ टन से ज़्यादा का है ना।
उसके मुकाबले हमारी जो कैपेसिटी है वो करीब करीब 47% कम है। अगर ये डेटा सही है, इसको आप कंफर्म ऑथेंटिकेट भी करें, तो फिर इस गैप को फुलफिल करने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि मेजर गैप है हमारे प्रोडक्शन में और स्टोरेज कैपेसिटी में। देखिए मित्र जी, इसको गैप को आप एड्रेस करने के लिए थोड़ा सा और आपको डीप में जाना पड़ेगा, बिकॉज ये गैप है पीक एफिशिएंट प्रोडक्शन। आप देखेंगे तो भारत में जैसे 357 मिलियन मेट्रिक टन का ड्राई ग्रेन का प्रोडक्शन है, और आप ये गैप देख रहे हैं, तो वो गैप कब आता है, जब आपका क्रॉप पूरा आपके गोदाम में आना चाहिए, परंतु क्रॉप का कंजम्पशन भी है। तो आपको ये बोले कि आपका 1-to-1 मैच हो जाए, तो वही वाली बात हुई कि हाईवे पे एक बार ट्रैफिक जाम हो रहा तो आप 10 हाईवे बना दीजिए, वैसा नहीं है। आपको इसका इकोनॉमिक वैल्यू निकालना पड़ेगा कि कितना एवरेज टनेज आपके गोदामों में रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ 7 से 8 महीने, और उस हिसाब से तो अगर ये 700 लाख टन की बात कर रहे हैं, तो वो इस बात को एड्रेस कर रहा है कि एवरेज यूटिलाइजेशन मेरे गोदामों की कितनी है और उसमें कितनी शॉर्टेज है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें ये हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें देखते हैं कि आपका ये इस स्कीम में जो सबसे बड़ी चीज जो मैं देख पा रहा हूँ, वो ये है कि ये पहली दफा ये दिशा दिखा रहा है कि एग्री यूनिट को कॉम्पोजिट यूनिट की तरह देख रहे हैं ये लोग। मतलब हमारी सरकार और हमारी जनता इसे एज अ एग्री यूनिट सेंटर, जिसे हम किसी तरह बाहर यूएस जाएं या कहीं जाएं, हम टर्मिनल मार्केट्स बोलते हैं, उस तरह से इस मार्केट को देख रहे हैं कि एक वेयरहाउसिंग अलोन से काम नहीं बनने वाला। वेयर हाउसिंग के साथ मेरे को एफपीओ सेंटर चाहिए, मेरे को पैक सेंटर चाहिए, मेरे को क्रेडिट अवेलेबिलिटी चाहिए, वो सब हो। तो ये कहना बड़ा उचित रहेगा कि ये जो गैप है, ये 700 लाख टन से ये गैप कहीं हद तक आपका, कहीं हद तक ये गैप का उच्चारण हो जाएगा, क्योंकि आप गैप को एक पीक मीन स्टॉक पे देख रहे हैं, जबकि ऐसा गैप रहता नहीं है जब आपका फसल की कंजम्पशन स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, तो मतलब ये बात ठीक है, जब आप गैप का कैलकुलेशन, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें एक बड़ा हिस्सा कंजम्पशन में भी जाता है, वेयर हाउस में कितना आता है और उसका कितना परसेंटेज हमारे पास है स्टोरेज की कैपेसिटी, उसको कैलकुलेट करना होगा, तब आपके सामने एक्चुअल तस्वीर आएगी कि क्या कितनी कमी है। ये सब डिटेल में बातें हुई हैं। और एक बड़ी बात जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप समझिए कि ये कितना बड़ा प्लान है, उसको आप उस संदर्भ में समझिए। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ कई बार इस तरह की खबरें रिपोर्ट होती थी पहले भी, अभी भी छिटपुट होती है रिपोर्ट की, खुले में अनाज सड़ जाता है, रखने की जगह नहीं है, कई बार कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, गेहूं खुले में सड़ते हुए था देखा गया था, कोई ये कहा गया था, ऑब्जर्वेशन था कि अगर खुले में सड़ रहा है तो फ्री में क्यों नहीं बांट दिया जा रहा है। तो आप सोचिए कि ये बड़ी योजना अगर ठीक से ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जब आप फसल खेत से आपकी निकलती है और जब आप बाज़ार में लाते हैं, मंडी में जाते हैं आप, और वहाँ पर जो फसल की बर्बादी होती है डाउनलोड करने में, या फिर आप कहीं पर भंडार करते हैं वहाँ पर जो आपको दिक्कत आती है, वो सारी दिक्कतों को एड्रेस करने की कोशिश इस नई योजना में की गई है। हमारे साथ तीनों वेयरहाउस के एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इन्होंने आपको डिटेल में बताया है कि ये योजना कितनी क्रांतिकारी योजना होगी अगर ठीक तरीके से ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो गया, तो आप समझिए कि ना कि हमारा सिर्फ फसल की बर्बादी रुकेगी, अनाज की बर्बादी रुकेगी, बल्कि किसानों को अच्छा भाव भी मिलेगा और किसानों को उचित कम भाव पर ऋण यानी ब्याज भी मिलने में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।